है ना, मानव रूप में लिखो। मानव रूप का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर वन, 0. कितनी जीरो देखिए, 1, 0, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. मैं गिन लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये 3, 3, 6, 3, 3, 9, 10, 11 और 8, 5 ये संख्या भैया। अब इस संख्या को, ये जो संख्या है सामान्य रूप में लिखी हुई है, नॉर्मल फॉर्म में लिखी हुई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मानक रूप इसका क्या हो जाएगा? इसका मानक रूप हम लिखेंगे, ये जो आपका मानक रूप होगा ये 85। क्या है ये? 85। अब दशमलव, दशमलव उठ के कहाँ जाएगी? यहाँ से उठ के देखो कितने अंक आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 अंक उठा के मैं दशमलव में लाया, मैंने कितने अंक उठा के लाया? 12 अंक उठा के लाया दशमलव को, तो 10 की घात ऋण 12। ऋण क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम दाएं, हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। जब हम बाएं से दाएं की तरफ, हम इस तरफ चल रहे हैं, तो जब दशमलव को उठा के हम बाएं से दाएं की तरफ ले जाते हैं तो पावर ऋणात्मक होती है। पावर क्या हो जाएगी आपकी? ऋणात्मक हो गई। ये आंसर है। अगर मान लो आपके पास सवाल इस टाइप का है, 8, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, है ना। अब इसको मानक रूप में लिखना है, इसको किस रूप में लिखना है? मानक रूप। इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? देखो मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? इसमें कहीं दशमलव दिखाई दे रही है आपको? यहाँ तो दशमलव दिख रही थी आपको, यहाँ पे आपको दशमलव दिखाई दे रही थी, मगर इसमें कहीं दशमलव है नहीं रहती है, तो आखिरी में मानते हैं। कहाँ मानते? आखिरी में दशमलव को मान लिया जाता है कि यहाँ पे दशमलव है। ठीक है, अब दशमलव को उठा के लाएंगे, तो पहले तो 85 कहाँ पे लाना है? एक अंक के बाद, एक अंक के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 10 की घात 8 कितना उत्तर हो जाएगा? 10 की घात 8। ये 10 की घात 8 क्या है? आपका आंसर है। दिस इज आंसर। अब यहाँ पे 10 की घात 8, 8 यहाँ पे धनात्मक क्यों है? यहाँ पर 8 धनात्मक क्यों है? क्योंकि हम दशमलव को किधर ले जा रहे हैं? दाएं से बाएं की तरफ, दाएं हाथ से किस हाथ की तरफ जा रहा है? बाएं हाथ की तरफ, तो इसलिए धनात्मक है। और इसमें उल्टा हो गया, इसमें बाएं से किधर आया? दाएं की तरफ। इधर से चल के कहाँ पे आया? यहाँ पे आया। इधर से चल के यहाँ आया, उल्टी दिशा, तो यहाँ ऋणात्मक। जब बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ दशमलव गमन करता है तो पावर ऋणात्मक होती है, जब दाएं से बाएं की तरफ गमन करता है तो पावर धनात्मक होती है। ठीक है ना, ये घातांक धनात्मक हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ले लो आप, 7, 8, 4, 0, 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
मानक रूप में लिखना है, तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, मानक रूप, इसका मानक रूप क्या होगा बताओ, इसका दशमलव कहीं नहीं है ना इसमें, तो मानक है आखिरी में, जब कहीं दशमलव नहीं है तो अपन क्या मान लेते हैं कि आखिरी में है, तो वन दशमलव को कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, 784, दशमलव को यहाँ पे लाना है, कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, यहाँ सात के बाद लाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दस, तो ये दस की घात 10, ये आंसर है, कठिन के सरल, सरल है ना। चलो तो ये आपको मैंने बताया कि मानक रूप में किस प्रकार से संख्याओं को लिखा जाता है।